हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा लेक्चर है और मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने अपने पिछले लेक्चर में वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में गति के समीकरण इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। गति से संबंधित कुछ परिभाषाएँ। पहला, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम यानी मिनिमम लंबाई विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसका मात्रक लंबाई की मात्रक के समान डिपेंड किया गया है ए बी। ये जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है दूरी है। अब आ जाते हैं डिस्टेंस, दूरी, जिसको इससे रिप्रेजेंट किया गया है डिस्टेंस को। और ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया गया है, इसे स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टॉपिक है डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसका मात्रक लंबाई की मात्रक के समान होता है। दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन। और एक बात और ध्यान देने वाली है, वाली चीज़ है, विस्थापन का मान कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। तीसरा टॉपिक है वेग, वेलोसिटी, समय के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, वेक्टर dx डिवाइड बाय dt। यह एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी वेग धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। औसत वेग इज इक्वल टू, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, औसत वेलोसिटी पूछी जाती है। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि दिए गए समय में वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आती है तो औसत वेग शून्य होगा। एसआई प्रणाली में मात्रक मीटर पर सेकंड अथवा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अब आ जाते हैं चौथे टॉपिक पे। एक समान वेग, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। इस दशा में वस्तु में त्वरण शून्य होता है। मतलब समान समय अंतराल में, पहले 5 मिनट में मान लीजिए x दूरी तय करता है तो अगले 5 मिनट में भी वो x ही दूरी तय कर रहा है। तो इस तरीके का वेग जो होता है यूनिफॉर्म मोशन या फिर समान वेग कहते हैं। त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन पर यूनिट टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय, ∆v/∆t जो होता है त्वरण। एक समान वेग की कंडीशन में वेग परिवर्तन जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो शून्य बटे समय मतलब शून्य में हम किसी चीज़ से भाग देते हैं तो वो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन जो इसका हो गया जीरो। अब आते हैं स्पीड, वेग के अदिश स्वरूप को चाल कहते हैं। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी से, लेकिन इसकी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर फॉर्म जो होता है इसका, उसको हम चाल कहते हैं। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, ∆s/∆t। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक SI प्रणाली में होता है मीटर पर सेकंड। औसत चाल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू s/t। कुल दूरी को हम s से डिनोट करते हैं और कुल समय को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ∆v/∆t। ∆v जो है वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी, एंड ∆t इज चेंज इन टाइम। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं।
जब हम ब्रेक लगाते हैं बाइक का या कार का, तो उसमें जो होता है वो रिटार्डेशन होता है। मंदन का अर्थ है कि वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, यानी कि डिक्रीज होता है। गति के कुछ समीकरण हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। गति के 3 समीकरण हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, v इज इक्वल टू अंतिम वेग, एंड a इज इक्वल टू त्वरण, एंड s जो होता है चली गई दूरी t समय में। वस्तु द्वारा nth सेकेंड में चली दूरी, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोई इस वस्तु मोशन में है और वो 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में, या फिर किसी सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी को पूछ लेता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है और या फिर फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, तो वो गुरुत्व के अधीन हो रहा है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर वो मोशन कर रहा है। तो इसमें फॉर्मूले कौन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले में, जो एक्सेलरेशन है उसको हम जी से रिप्लेस करते हैं, जी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एंड इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये वर्टिकल हो रहा होता है मोशन इसका, तो इसको हम एच से डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। नाउ अगर ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये जो पहला वाला केस है, ये कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है, मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं, छत से एक बॉल फेंक रहे हैं, या फिर कोई बॉल हम ऊपर फेंक दिए हैं और वो नीचे की ओर मोशन कर रहा है, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, यूज होगा। अब कोई वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, मतलब जिससे हम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये यूज होगा, वी इज इक्वल टू यू माइनस, ऊपर की ओर अगर वस्तु मूव कर रही है तो हम एक्सेलरेशन जो है निगेटिव लेंगे, क्योंकि उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो वो वस्तु की स्पीड को क्या कर कम कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये माइनस जी यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन में एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जांपल 1, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही गेंद का वेग 3 सेकेंड बाद 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। गेंद का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हो गया, V1 दिया हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, V2 दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम जो है 3 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी परिवर्तन की दर को, गति परिवर्तन की दर को, या फिर वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, V2-V1 बटे t, 20-8 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 4 इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक गोली 90 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से लक्ष्य से टकराकर 0.3 सेकेंड में रुक जाती है। गोली का मंदन ज्ञात कीजिए, रिटार्डेशन इसमें पूछा है क्योंकि इसमें स्पीड जो है, वेग जो है उसका कम हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती प्रारंभिक स्पीड जो है उसका 9 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, फाइनल जो है वो रुक जा रही है, तो फाइनल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0। टाइम क्या है, 0.3 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्सल माइनस 300 प्रति 300 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो इसमें माइनस साइन लग गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, 4 सेकंड पश्चात पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम 4 सेकंड, एंड ये पूछ रहा है फाइनल वेग। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दिया टी और टाइम दिया, एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया 4 सेकंड, तो ये हमारा आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। सॉरी इसमें कुछ कटा हुआ है, इनपुट डाटा केवल है, तो यू इज इक्वल टू 0, टाइम जो है 20 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ समीकरण में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे हम अप्लाई करेंगे, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इंटू 20 सेकेंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे एग्जांपल 5 और 6 डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। एक कण विराम अवस्था से गतिशील होने के पश्चात 20 सेकेंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है, यदि कण पहले 10 सेकंड में S1 दूरी तथा उसके बाद 10 सेकंड में S2 दूरी तय करता है, तो S1 तथा S2 के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे सपोज मान लिया कि त्वरण A है, तो पहले 10 सेकंड में जो दूरी बताएं कर रहा है, S1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 50A, S1 बराबर 50A। यहाँ पे ए जो है एक्सेलरेशन है, अब कण का गतिशील होने के 10 सेकंड बाद वेग, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी इज इक्वल टू 0 प्लस 10A, इसलिए अगले 10 सेकंड में चलित दूरी है S2 इज इक्वल टू 10A गुणे 10 प्लस 1/2 इंटू ए प्लस 100 इज इक्वल टू 150A, तो S2 बराबर 3S1, ये आ गया रिलेशन इसके बीच में। हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस कर ले रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं सोल्यूशन आप लोगों से शेयर कर दूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज्वाइन कर लें, उसमें आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। यदि कोई वस्तु H ऊंचाई से गुरुत्वीय त्वरण में, यदि कोई वस्तु या ऊंचाई से गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से नीचे गिराई जाती है, तो इस दूरी के अंतर्गत उसका वेग होगा। इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो क्वेश्चन नंबर करके कमेंट कर देना आप लोग, मैं इसका सोल्यूशन जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक सरल रेखा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, किसी वस्तु से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 मीटर प्रति सेकंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सिंपल आंसर, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होगा तो उसका वेग जो है वो शून्य होगा, क्योंकि वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी उसका शून्य होगा, उसके बाद जैसे फिर नीचे आना शुरू करेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग UT जो है समयांतराल के बाद उसका अंतिम वेग V तथा त्वरण A है, तो
टी समय बाद बस द्वारा चली गई दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हमें पता है सिंपल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पृथ्वी के पृथ्वी त्वरण जी का मान कितना होता है? ये होता है, सबको पता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विस्थापन की दर कहलाती है, वेग जो है विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग। एक पिंड विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, वह प्रथम 5 सेकंडों में कितनी दूरी तय करेगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, यदि हम किसी पत्थर को ऊपर h ऊंचाई तक फेंकें तो पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौट आता है, पत्थर द्वारा चली गई दूरी, इसमें वो दूरी पूछ रहा है, ये गलत मार्क किया गया है, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये 0 हो जाता, लेकिन दूरी पूछ रहा है तो ये 2h दूरी, क्योंकि मान लीजिए हाइट h है, तो ये h हाइट गया फिर वापस आया, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 2h हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तब कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 10, एक समान वेग से चल रही है वस्तु, एक समान वेग से चल रही है मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो इस वाले फॉर्मूला जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे तो v इज इक्वल टू यू आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है 30 मीटर की ऊंचाई जाकर पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाती है तो उसका परिणामी विस्थापन, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, सीधे 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि जहाँ से चला था फाइनली वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम दूरी क्या हो गया, 0। एक विद्यार्थी घर से स्कूल तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ 20 मिनट में पहुंच जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3 किलोमीटर इसके घर से दूरी होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका सलूशन अपलोड कर दूंगा। और ये क्रैश कोर्स है, इसमें फटाफट आप लोगों से सारे टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए जाएंगे, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये लाभ मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।